दोस्तों आज का वीडियो हर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप प्राइमरी लेवल में पढ़ते होंगे, स्कूल 9, 10, 11, 12 या फिर कॉलेज लेवल में आप टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश फ्लुएंट आती है तब तो कोई बात नहीं, यदि आपको थोड़ी बहुत आती है और आप अपने स्टूडेंट्स के साथ या फिर स्टूडेंट टीचर्स के साथ इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत ही एक अच्छा वीडियो आपके लिए साबित होगा। मैंने प्रैक्टिकली चीजों को पढ़ाया है और आपसे एक गुजारिश की इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसका क्या कर सके, बेनिफिट उठा सके। सो दिस इज द क्लासरूम कॉन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट विच आई हैव ट्राई टू टीच यू प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली। यू आर ओनली रिक्वेस्टेड टू प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी वेल एंड आई एम 100% श्योर यू विल स्टार्ट वॉचिंग एंड अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। सो लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। दोस्तों इसके फॉन्ट साइज छोटे हैं, बट डू नॉट वरी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। पूरे जो कॉन्वर्सेशन है टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में इसको 15 सेंटेंसेस में फिनिश कर दिया है और इसका जो पीडीएफ है ये माय करियर डॉक्टर टेलीग्राम चैनल पे सबमिट हो जाएगा। यदि आप बाद में भी आते हैं तो सर्च ऑप्शन में जाके टेलीग्राम के सर्च कीजिएगा टीचर स्टूडेंट कॉन्वर्सेशन या फिर क्लासरूम कॉन्वर्सेशन, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के डॉट सेक्शन को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, माय करियर डॉक्टर डॉट्स के नाम से मिलेगा, वहां हम आपके डाउट्स को जवाब देते हैं। दोस्तों ये जो 15 सेंटेंसेज है मैं आपको पूरी प्रैक्टिस करवा देता हूं कि कैसे स्टूडेंट और टीचर प्रैक्टिस करता है। आपसे गुजारिश कि इसे सिर्फ देखिए मत, देखने के बाद लिख लीजिए, पीडीएफ लिंक ले लीजिए, याद कर लीजिए और अपने साथी के साथ प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको इंग्लिश अच्छा बोलना आता है तो इट्स ओके, नॉट एन इश्यू। यदि आप एवरेज हैं और बोलना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ या बच्चे टीचर के साथ, दोनों कंडीशन में ये आपकी मदद करेगा। बस कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा, जैसे कि बच्चों से खास तौर से और टीचर से भी, चूंकि स्कूल एक सीरियस फॉर्मल जगह है, यानी कि फॉर्मल जगहों पर आप या फिर नो ने का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्टूडेंट खास तौर से कैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लाइक सर कैन यू हेल्प मी, कैन यू टीच मी के बदले आप कुड का इस्तेमाल कीजिए। ये कुड पोलाइट होता है, ऑल्दो कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, बट यू हैव टू यूज कुड वुड बी फार बेटर। फाइन, यस प्लीज आप यूज करेंगे, यस टीचर, यस टीचर, यस प्लीज, नो प्लीज, नो प्लीज, इसके बदले नो नो का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, आपको डांट सुनेंगे आप। ऑलराइट, एक चीज, आप अपने सर को या मैडम को कलेक्टिवली टीचर बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड आफ्टरनून टीचर, या फिर मेल है तो सर, फीमेल है तो मैडम। मैडम एक फॉर्मल वर्ड है, ध्यान रखिएगा ये चीज, इसका इनफॉर्मल होता है मैम, हालांकि मैम बहुत ज्यादा फेमस है। मिस, इफ अ टीचर इज अनमैरिड गर्ल तो आप मिस बोलेंगे। ऑलराइट, और ये जो है एम ए अपोस्ट्रोफ ए एम मैम, ये मैडम का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, जैसे इज नॉट को आप इजंट बोलते, ठीक उसी तरह मैडम का मैम और ये मैम। ऑलराइट, ये सभी क्या है, करेक्ट है, समझ में आ गई आपको बातें। तो मैं प्रैक्टिकली आपको इसको समझा रहा हूं। देखिए जैसे ही टीचर क्लास में एंटर होते हैं तो या तो स्टूडेंट्स बोले या टीचर बोले, मेरी टीचर से गुजारिश कि आप अपने जरा एटीट्यूड में बदलाव लाइए। जब आप क्लास में अंदर जाते हैं तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप जैसे ही, और आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए पॉजिटिव। एटीट्यूड का मतलब ईगो और अहंकार से नहीं है, अहंकार निगेटिव एटीट्यूड का पार्ट है। अगर आप में पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप खुशनुमा दिखेंगे, बहुत अच्छे फिट एंड फाइन आप दिखेंगे। तो आप एज यू एंटर इन द क्लास आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मुस्कुरा कर आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब बच्चों का क्या जवाब होगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो एक ही सुर में बोल जाते हैं गुड मॉर्निंग टीचर या फिर गुड मॉर्निंग सर या फिर गुड मॉर्निंग मैम और मैडम। लेकिन अगर आप सीनियर हैं आठवीं नौवीं दसवीं तो आप स्टैंड हो जाए, गॉट इट। एज द टीचर एंटर्स इन टू योर क्लासरूम आप क्या करेंगे, स्टैंड हो जाएंगे, स्टैंड हो जाएंगे लाइक दिस, और गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीचर। हालांकि ये चीजें बहुत ही कम दिख रहा है खासतौर से सीनियर स्टूडेंट्स में, कॉलेज स्टूडेंट्स में, लेकिन आप ऐसे जरूर कीजिएगा। ऑलराइट, और सवाल ये कि हम जब दोपहर में जाए क्लास लेने तो क्या यूज करें। अगर ग्रीटिंग देखिए 12 बजे तक गुड मॉर्निंग, 12 बजे से 5 बजे तक या 4:30 बजे तक गुड आफ्टरनून, उसके बाद गुड इवनिंग, तो आप एक वर्ड याद रखिएगा हेलो स्टूडेंट्स या फिर हेलो स्टूडेंट। हेलो का मतलब सुनिए, सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम, सब कुछ इसमें आ गया हेलो में, तो आप हेलो का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट विल बी आवर हेलो सर, सारे बच्चे बोल सकते हैं। हाई एक इनफॉर्मल है तो आप हाई सर ना ही बोले तो बेहतर होगा, वैसे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में यूज करते हैं। अब टीचर क्या बोलेंगे, सिट डाउन, सिट डाउन, आई रिपीट,
SIT, sit down या फिर sit down please. Please एक word है, अगर आप इसे use करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा. Sit down please. सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे. और बच्चे जब तक टीचर आपसे नहीं बोले sit down please या फिर take your seats please और take your places please, places please, तो आप क्या करेंगे, बैठ जाएंगे सारे बच्चे. थैंक यू. और जब आपका कोई काम करे आपके लिए, कुछ बोले, तो आप क्या बोलेंगे, थैंक यू टीचर, यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच. अब आगे देख लीजिए, अटेंड, attend, attend, not attend your roll call. Roll call का मतलब अपनी हाजिरी अब लगा लो. Attend your roll call. Let's suppose this is a register. All right, this is a register. Or teacher says attend your roll call. अब सारे बच्चे roll number 1, 2, 3 present ma'am, present sir, there it is. Right. Where is Jack? अब टीचर ने बोला where is, देखिए where is नाम लिखे बच्चे का, Jack. तो या तो क्या होगा, छुट्टी पर होगा, approved leave लिया होगा, तो हम क्या बोलेंगे, he is on, student बोलेगा he is on leave. एक होता है live, L-I-V, live, और यह leave, she is on leave. ये देख लीजिए s apostrophe, sorry oblique H-E, तो या तो she या he is on leave, or he is on bunk, B-U-N-K, bunk के बारे में बता देता हूं, ये एक British slang है, जो वहां तो अब ना के बराबर शायद use होता है, but हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये word बहुत ज़्यादा use होता है schools में. Proper word है skip, skip means उसने class छोड़ दिया, मतलब एक 45 मिनट का period ही वो छोड़ दिया. और skip the school का मतलब, skip the day का मतलब पूरा दिन वो घर से तो निकला कहीं और चला गया. Although this is very bad, तो आप क्या बोलेंगे, he skipped ma'am या फिर sir, he skipped the class today. Present है तो skips, past है तो skipped में आप use करें, simply he skips the class today और he bunks the class today. अगर class से है तो, और पूरे day में है तो he bunks the day today. आप समझ के कैसे बच्चे इसको reply देंगे, I hope you get it. Where, ये हो गया. अब teacher बोलेंगे so let's start. After finishing, the teacher will put diary, register, I beg your pardon. There, I beg your pardon or I do apologize. आपसे अगर गलती होती है तो क्या बोलेंगे, I beg your pardon or I do apologize. I do apologize. I do apologize. Normally, लोग बोलते हैं sorry. Sorry का इस्तेमाल मत कीजिए, गलती होने के बाद हम करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फॉर्मल होगा, I do apologize or I beg your pardon. All right. Please take out your books. ये teacher बोलेंगे. Please take out your books. इससे पहले. So let's start. Students, guys का इस्तेमाल teachers नहीं करेंगे. This was my bad habit and I have used this sometimes. But I would recommend to you कि आप guys का इस्तेमाल आप बोलेंगे. So students, let's get the ball rolling. ये मैं बोलता हूँ या let's get started या let's start now. Let में थोड़ी सी आपको confusion होगी. ये बोलते हैं ना let us. तो इसको शॉर्ट में आप बोलते हैं लेट्स स्टार्ट. चलो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट नाउ. चलो अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं. जैसे आप बोलते हैं ना लेट मी गो, टीचर लेट मी गो प्लीज, लेट्स स्टार्ट नाउ. आप क्या बोलेंगे, प्लीज टेक आउट योर नोटबुक. टेक आउट का मतलब निकालो, अपने क्या निकालो, नोटबुक निकालो. प्लीज टेक आउट your notebook या फिर book. एक टीचर को बोलेंगे तो, यदि आप सारे बच्चों को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, please take out your notebooks या फिर books. सारे बच्चों को याद कर लीजिएगा, कई बार बोलेंगे ना ये आपको याद हो जाएगा. PDF लिंक ले लीजिएगा याद करके, और घर पे एक्ट करिए तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे. जितने भी खासतौर से टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए बनाया गया, प्लीज टेक आउट. अब यहां चाहे तो प्लीज लगाइए, नहीं तो नहीं. देखिए टीचर की पर्सनालिटी, उसका एटीट्यूड होता है, और आपके पास नॉलेज यदि कम ही है लेकिन सबके साथ आप अच्छे से पेश आते हैं तो आपका आइडिया हिट हो जाएगा. इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड सैड, आई हैव सीन अमंग टीचर्स, नॉट ऑल बट आई हैव सीन अ लॉट,
कि वो बच्चों को फोर्स डालते हैं प्राइवेट ट्यूशंस के लिए, नहीं जब बच्चे जाते हैं तो उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, अननेसेसरली टॉर्चर करते हैं, मार्क्स उनके नहीं देते इंटरनल में, या फिर मार्क्स बिल्कुल ही काट लेते हैं। दिस इज रियली वेरी बैड। आप लॉन्ग टर्म में अपना इमेज बिल्कुल खराब कर रहे हैं। सो इफ यू वांट टू बी रियली एन आइडियल टीचर, तो पहली चीज ये चीजें ना करें। दूसरी चीज, पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, इट्स बिकॉज ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन। देयर In front of you, all are equal. I'm not blaming all the teachers, but some do it. All right. तो आप किसी को point out ये नहीं करेंगे, hey, excuse me, my career doctor जो है ये teachers training भी provide करवाता है। हमारा जो दूसरा channel है शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत, जहां हम dedicated हैं आपको अच्छी चीजें लाने को, दिखाने को स्टूडेंट्स को, तो वहां बहुत जल्दी एक वीडियो आएगा कि कैसे बच्चों को पढ़ाए ताकि 100% उसे समझ पाए। मीन्स वी विल टॉक अबाउट अ वंडरफुल आइडिया व्हिच विल हेल्प यू टू बी अ गुड 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 टीचर। दूसरा, बच्चों के लिए भी हम कि कैसे पढ़े ताकि समझ में आए, और देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी विल टॉक ऑन शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत। तो मैं टीचर्स की बात कर रहा था। अब किसी बच्चे का, लेट सपोज मेरा नाम है प्रकाश सिंह, तो आप ये नहीं बोलेंगे हेलो सिंह कम, नो, हेलो मिस्टर सिंह, या फिर हेलो मिस्टर आजाद, या फिर आपको मैं बोलूंगा हेलो मिस्टर झा, हेलो मिस्टर तिवारी, हेलो मिस्टर गुप्ता, यू गेटिंग दिस ना, हेलो मिस्टर खान, समथिंग लाइक दैट, और मास्टर मींस बैचलर। तो आप ऐसे बोलेंगे तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा, और बच्चे को चाहिए कि टीचर के प्रति भी क्या हो, एटीट्यूड उसका अच्छा हो, तो दैट विल हेल्प यू टू टीच अ लॉट। आप मुंह बना के जाएंगे, बच्चों से बदतमीजी से पेश आएंगे, देन हाउ कुड यू एक्सपेक्ट कि बच्चे आपसे अच्छे से पेश आए। तो द फर्स्ट डे ही अगर आपका डेमो ऐसे हो और अच्छे से आप जाए, नॉलेज के साथ, सॉफ्ट स्किल अच्छी है, देन यू विल विन द गेम डेफिनेटली। ऑलराइट, तो आप बोलेंगे प्लीज टेक आउट योर नोटबुक्स या फिर बुक्स। सारे बच्चे क्या बोलेंगे, यस मैम वी आर रेडी, यस मैम वी आर रेडी। और आप पूछ सकते कौन सी किताब, अगर चैप्टर कोई दूसरा है और टीचर नए आ गए या फर्स्ट डे आ गए, तो विच बुक मैम, विच बुक का मतलब कौन सी किताब, which book ma'am, या which notebook, notebook means जो कॉपी होती है उत्तर पुस्तिका, या what book तो नहीं, हम which book ही बोलेंगे, which day, कौन सा दिन। Alright, अब देख लीजिए, अब अगर आपको बोल रहे हैं कि अपनी किताब ओपन करो, तो प्लीज ओपन योर बुक टू पेज नंबर, डायरेक्ट टीचर बता देंगे प्लीज ओपन योर बुक टू पेज नंबर। टीचर्स इसे आप कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। आई रिपीट, या फिर आपने कोई चीज पहले पढ़ा दी है और आज उसी चैप्टर का आधा पार्ट आप पढ़ाएंगे, तो बोलेंगे वी विल कंटिन्यू विथ चैप्टर नंबर, जो चैप्टर का नंबर है वो बता दीजिए। ऑलराइट, अब किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलेगा एक्सक्यूज मी टीचर, हाथ उठा के आप बोलेंगे, किसी का अटेंशन आप अपनी तरफ चाहते हैं ना, तो एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, डायरेक्ट नहीं, हेलो आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग लाइक दैट, नॉट लाइक दिस, यू विल से एक्सक्यूज मी टीचर, एक्सक्यूज मी टीचर आई हैव अ डाउट, एक्सक्यूज मी सर, मैडम, मैम, टीचर, कुछ भी आप बोलेंगे, आई हैव अ डाउट, तो टीचर आपसे बोलेंगे यस प्लीज, टीचर बोलेंगे यस प्लीज। ऑलराइट, अगर आप स्टूडेंट से गुजारिश, आप ध्यान रखेंगे या तो पढ़ाने से पहले प्रीवियस चैप्टर का डाउट पूछ लीजिए जो कल आपने पढ़ा, या फिर पढ़ाने के बाद आप पूछेंगे, बीच में आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेट्स सपोज आई एम टीचिंग और बार बार इफ यू इंटरप्ट मी आई लूज माय कंट्रोल, ऑलराइट, एंड इन दैट कंडीशन आई मे बीट यू और आई मे पनिश यू, तो ये आप मत कीजिए गलती। और टीचर से गुजारिश की अगर आपको उस टाइम में, अच्छी बात है अगर आप सॉल्व कर देते, नहीं तो बोल दीजिए विल गेट बैक यू टुमारो, कल हम तुमको ये सवाल का क्या कर देंगे सॉल्यूशन, We'll solve it tomorrow or I'll solve it tomorrow. There isn't any problem. All right, सबके साथ होता है, हर चीज हर किसी को नहीं आता। We will continue with the chapter number. ये तो हो ही गया। अब बच्चा कोई लिख रहा है, कोई पेंसिल से लिख रहा है, कोई पेन से लिख रहा है, तो आप बोलेंगे use pencil only. Use pencil only. केवल किसका इस्तेमाल करे? Pencil का इस्तेमाल करे. Got it? Use pencil only. अब एक बच्चा बोला मैडम और टीचर आई हैव नो पेंसिल, नॉट नहीं बोलेंगे आई हैव नो पेंसिल, कुड आई बोरो, कैन के बदले आप कुड का इस्तेमाल कीजिएगा, खासतौर से स्टूडेंट्स, कुड फॉर्मल होता है, कुड आई बोरो, बोरो मीन्स मांग लेना या उधार लेना होता है, यहां होगा मांग लेना, कुड आई बोरो फ्रॉम, नाम लिख दीजिए दैट स्टूडेंट, कुड आई बोरो फ्रॉम दैट स्टूडेंट, उसका नाम ले लीजिए, येस ऑफकोर्स वाई नॉट। अब आप जाएंगे एक्सक्यूज मी, अब उसको तो पता चल ही गया, तो आपको पेन निकाल कर दे देगा, कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज। अब लेट्स सपोज देयर इज ब्रेक टाइम, अब इस ब्रेक टाइम को हम अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं रिसेस, क्या बोलते हैं,
रिसेस, ये ध्यान रखिएगा, दिस ब्रेक टाइम ये रफ के लिए मैंने बचा रखा, दिस इज कॉल्ड रिसेस, आर ई सी ई डबल एस. या तो आप बोलेंगे ब्रेक टाइम, इट्स ब्रेक, लेट्स गो टू एंजॉय द ब्रेक, और लेट्स गो टू रिसेस, और लेट्स गो फॉर रिसेस. आप अपने दोस्तों से बोलोगे एल ई टी अपोस्ट्रॉफ एस, हे फ्रेंड्स लेट्स गो फॉर रिसेस, और लेट्स गो टू रिसेस. रिसेस का मतलब हो गया जो जो बीच में जो ब्रेक मिलता है आपको किसी चीज को खाने के लिए. या तो आप ब्रेक टाइम बोलेंगे, या फिर आप रिसेस बोलेंगे, या फिर आप लंच टाइम बोलेंगे. सम स्टूडेंट्स कॉल इट लंच टाइम. अच्छा, मिटाने वाला जो होता है, कोई चीज बोर्ड पे आपने लिखा तो टीचर या तो बोलेंगे इरेज इट. एक वर्ड होता है रब, रब मीन्स मिटाना, इससे बना है रबर. क्या बना है? रबर. और एक होता है इरेज, ये अमेरिकन इंग्लिश है. अब आप बोलेंगे सर हम कौन सा यूज करेंगे? बाबू ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हम पूरे देशवासी कंफ्यूज्ड है, जिसको जो मन में आता है वही यूज कर देता है, तो आप भी यूज कीजिए. ये हो गया इरेजर. अब जेड एस के बदले जेड यूज होता है अमेरिकन इंग्लिश में, तो रबर और इरेजर. अब टीचर ने कहा इरेज इट प्लीज, आप समझ जाइए, या रब इट ऑफ, इसको मिटा दो, या रबर, वेयर इज द रबर, ये है डस्टर. गॉट इट ना? ये है डस्टर. ऑलराइट, तो इरेज इट का भी मतलब बोले तो इससे, या फिर किसी हैंकी से आप जाकर के इसको क्या कर दीजिए, मिटा दीजिए. और यूज द डस्टर. द हम तब यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट के बारे में पता है. वेयर इज माई स्पेक, स्पेक्स, या वेयर इज माई स्पेक्टेकल्स, ये ऐसे इसको हम बोलते हैं. एक और वर्ड यूज होता है, दैट इज कॉल्ड मैथ्स. ये है ब्रिटिश इंग्लिश, और अमेरिकन में इसको हम बोलते हैं मैथ. क्या बोलते हैं? मैथ बोलते हैं, एम ए टी एच, मैथ. दोनों करेक्ट है, ध्यान रखिएगा. मैथ्स इज ब्रिटिश इंग्लिश और मैथ इज अमेरिकन इंग्लिश. जो स्टाफ रूम होता है ना उसको हम बोलते हैं टीचर्स लॉन्ज, ध्यान रखिएगा, टीचर्स लॉन्ज, ये अमेरिकन इंग्लिश है. और कोई बच्चा अगर पढ़ाई के अलावा यहां वहां ध्यान दे रहा है तो आप बोल सकते हैं hey, stop mucking around, मतलब यहां वहां ध्यान देना बंद करें. Pay attention here. Excuse me. Hello, Jack, Julie, excuse me. Mr. Khan, all right. Mr. Misra, pay attention here. Excuse me. All right. Or you can say, may I have your attention, please. जैसे कि मैं जब पढ़ाता था और कोई बच्चा यहां वहां देखता था तो मैं उसका नाम लेकर बोलता था गुड मॉर्निंग, तो उस बच्चे को शर्म आ जाती थी. जैसे कि अब लेट सपोज देयर इज अ बॉय नेम्ड साहिल, अब साहिल कुछ और कर रहा है, मैं बोलता था हेलो साहिल, हाउ डू यू डू. जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तब यूज करते हैं, लेकिन मैं मजाक में जैसे कि यूज किया करता था, ताकि उस बच्चे को बुरा भी ना लगे, वो माइंड भी ना करे, और उसका ध्यान भी इधर आ जाए. तो अब वहां उसे इंसल्ट नहीं करेंगे, हे यू लूजर, यू इडियट, यू फैट, फैटी मतलब मोटू, यू स्किनी मतलब स्किनी मीन्स दुबलू पतलू, यू लूजर, ये सब आप नाम मत दीजिएगा बच्चों को, इससे आपकी ही इज्जत धीरे धीरे डाउन हो जाएगी. सो दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड. टीचर्स लॉन्ज आप समझ गए, मैथ्स मैथ्स समझ गए, रिसेस समझ गए, रब रबर आप समझ गए. अब मकिंग अराउंड, स्टॉप मकिंग अराउंड, और जैसे मैं ये ट्रिक्स यूज करता था, एक्सक्यूज मी, स्टॉप मकिंग अराउंड, या स्टॉप गुफिंग अराउंड, पे अटेंशन हियर, पे अटेंशन हियर. और जैसे कि हेड मास्टर को अमेरिकन में प्रिंसिपल बोला जाता है, पी आर आई एन सी आई पी ए एल, और पी एल में सिद्धांत हो जाता है. और रिसेस टाइम इज ओवर नाउ, लेट्स गो टू क्लास. ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर अगेन केम बैक टू क्लास. नाइस. अब आते ही बच्चे क्या करने लगे? बात करने लगे. या तो वो जोर से बोलेंगे, या फिर कानों में बोलेंगे, या धीरे धीरे बुदबुदा कर बोलेंगे. तो जोर से बोले, आप बोलेंगे डोंट स्पीक और डोंट टॉक, बात मत करो, या फिर डोंट मेक अ नॉइज. गॉट इट ना? ऑलराइट. इफ यू डोंट विस्पर, कोई कानों काने में बात कर रहा है तो डोंट विस्पर. ऑलराइट, डोंट whisper और डोंट murmur, मुरमुर भी कुछ लोग इसको बोलते, डोंट murmur, बुदबुदा कर बोलते हैं. अब बच्चे बोले नाइस. अब किसी बच्चे का पेंसिल गिर गया, या पेंसिल केस गिर गया, जिसे हम बॉक्स बोलते हैं, लाइक दिस, तो बोलेगा एक्सक्यूज मी टीचर, आई ड्रॉप्ड माई पेंसिल बॉक्स, या फिर आई ड्रॉप्ड माई पेंसिल केस. बच्चा ध्यान रखिएगा, आई ड्रॉप्ड, excuse me teacher, yeah, I'm sorry teacher, the teacher, who is there at fault, galti kiski hai, and why did you drop that pencil box or pencil case, case, excuse me, I'm sorry teacher, actually I dropped that pencil box or this pencil box by mistake, galti se kya ho gaya, niche gir gaya.
और फिर बोला इट्स ओके टेक दिस पिक इट अप उठा लो पिक इट अप इसे क्या कर लो उठा लो और पुट ऑन द टेबल अगर टेबल पे टीचर बोल रहे हैं किसी चीज को रखो तो आप क्या बोलेंगे पुट ऑन द टेबल और इसको रखना है बैग में तो पुट इन द बैग पुट मींस होता है रखना पुट का बहुत सारा यूज है पुट ऑन द ड्रेस ड्रेस पहन लो पुट ऑफ द ड्रेस ड्रेस उतार लो और इट्स पुट ऑन द शूज जूते पहन लो पुट ऑफ और टेक ऑफ द शूज जूते उतार लो ऑलराइट सो पुट इन द बैग पुट योर पेंसिल केस इन द बैग और पुट योर पेंसिल बॉक्स इन द बैग इसे आप क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे और ड्रेस वेल का मतलब क्या हो गया अच्छे से क्या पहनो ड्रेस पहनो और कोई बच्चा बहुत ज्यादा बात कर रहा है फिर भी बात नहीं मान रहा है तो क्या बोलेगा टीचर गेट आउट इफ यू वॉन्ट टू टॉक और गेट आउट ऑफ माई क्लास गेट और गो आउटसाइड सिंपली यू कैन से गो आउटसाइड और पनिश रेज योर हैंड्स और पुट योर हैंड्स अप या तो बोलिए रेज योर हैंड्स और पुट योर हैंड्स अप पुट योर हैंड्स अप हो गया ब्रिटिश इंग्लिश और रेज योर हैंड्स हो गया अमेरिकन इंग्लिश बोथ आर करेक्ट आपने इंडिया में ज्यादातर रेज योर हैंड्स होना होगा और दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं ऑलराइट सो हाउ अब डोंट स्पीक गेट आउट इफ यू वांट टू टॉक अब बच्चा बोलेगा आई एम सॉरी टीचर आई एम सॉरी मैम और फिर भी इफ ही और शी डज नॉट अंडरस्टैंड सिंपली गो टू द प्रिंसिपल ऑफिस एंड से सर देयर इज द प्रॉब्लम प्लीज टेक दैट बॉय और गर्ल आउट he or she disturbs me because in CBSE you cannot beat anybody all right how many of you lekin ek baat agar aapka attitude acha hai bachcho ke prati aap imandar hain to bacche aapki baat maan jayenge likhwa lijiye lekin agar aap nahi imandari se padhate tuition ki taraf bachcho ko kheench ke le jate aur bahut sari cheeze karte to perhaps they may rebel it wo bagawat kar sakte hain How many of you are without books? अगर आपको पूछना है कितने बच्चे बिना किताब के हैं तो how many of you are without books? कितने बच्चे बिना किताब के How many का मतलब कितने countable के लिए और how much uncountable? Like how much water you take? कितना पानी आप पीते हैं How much knowledge do you have? तो यहां how many of you are without books? Raise your hands. अपने अपने हाथ उठाओ सबको बोलेंगे तो raise your hands. एक को बोल रहे हैं तो raise your hand. और दोनों की आप बात करें तो रेज योर हैंड्स ऑलराइट पुट योर हैंड अप या फिर पुट योर हैंड्स अप सबको बोल रहे हैंड्स अप रेज योर हैंड्स गॉट इट ऑलराइट अब आप किसी को बोल रहे हैं स्टैंड अप जैसे कि बोल रहे हैं जैक से आपको सवाल पूछ रहे हैं जैक स्टैंड अप और टेल मी द आंसर ऑफ वेयर इज द कैपिटल ऑफ लखनऊ यूपी थैंक यू वेरी मच जैक इज वेरी इंटेलिजेंट लखनऊ खुद एक कैपिटल है सो वेयर इज द कैपिटल ऑफ यूपी देन द करेक्ट आंसर इज लखनऊ थैंक यू वेरी मच आई यूज्ड टू डू दिस ट्रिक मैं उल्टा सीधा सवाल पूछता था सो दैट टू रिटेन बैक द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स आई यूज्ड टू यूज दिस ट्रिक स्टैंड अप कम टू दिस बेंच विथ योर बुक्स अगर कोई बच्चा शरारत करता है नहीं पढ़ रहा है तो आप बोलेंगे स्टैंड अप कम टू दिस बेंच यहां इस बेंच पे विथ योर बुक्स ऑलराइट बच्चा आ गया अब आपके पास एक क्वेरी है या फिर आप चाहते हैं कि आपका नोटबुक टीचर चेक करे तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी टीचर प्लीज चेक माय नोटबुक और प्लीज चेक माय आंसर शीट और प्लीज चेक माय आंसर तो उसी वक्त अगर टीचर चेक करते बोले यस श्योर श्योर आई चेक इट नाउ या फिर कल चेक करेंगे तो आई विल या आई विल चेक टुमारो और आई चेक इट टुमारो आई विल के बदले आप सिंपली आई चेक टुमारो भी कह सकते हैं दैट्स नॉट रॉन्ग ऑलराइट प्लीज अगर आप पढ़ा रहे हैं और बच्चा नहीं सुन रहा है बोलेंगे प्लीज लिसन केयरफुली प्लीज लिसन केयरफुली बच्चा सुनेगा और अगर बच्चों को कोई चीज समझ में नहीं आता है टीचर आपकी बार बार बता रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे आप बोलेंगे पार्डन पार्डन का मतलब ही होता है मैं नहीं समझ पाया तो टीचर रिपीट कर देंगे एक्सक्यूज मी अटेंशन लेने के लिए या गलती से पहले आप एक्सक्यूज मी यूज करेंगे और सॉरी जब गलती हो जाए लेट सपोज ये पेन मेरे से गिर गया नीचे और टीचर की नजर मुझ पे पड़ी मैं बोलूंगा आई एम सॉरी मैम आई कमिटेड मिस्टेक और आई ड्रॉप्ड माई मार्कर ड्रॉप मीन्स गिरना तो टीचर पिक इट अप इसको क्या कर लो ऊपर उठा लो पार्डन और फिर भी अगर आप बोलना चाहते तो कुड यू रिपीट प्लीज कैन मत बोलिएगा कुड यू रिपीट प्लीज या फिर कुड यू स्पीक लाउडली कुड अपने आप में पोलाइट वर्ड है या फिर कुड यू गिव सम मोर एग्जांपल्स मैम कुड यू गिव अस सम मोर एग्जांपल्स कोई सवाल मैम पढ़ा रहे वो आपको पूछना है मैम बोलेगी यस श्योर यस या मत बोलिएगा यस
श्योर। अब ये सामान तो आप समझ गए बच्चों को कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे किसी को बोलना है ऊपर जाओ तो गो अप स्टेयर्स, किसी को आप बोलेंगे ऊपर जाओ तो क्या बोलेंगे, गो अप स्टेयर्स, क्या बोलेंगे आप, गो अप स्टेयर्स, गो अप स्टेयर्स। मान लीजिए आप दूसरी फ्लोर पे पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बोलना चाह रहे तीसरी फ्लोर पे, बच्चे ने पूछा मैम एक्सक्यूज मी मे आई गो आउटसाइड, बोले यस ऑफ कोर्स, वेयर डू यू वांट टू गो, सेकंड फ्लोर वॉशरूम, ऑलराइट यू कैन गो अप स्टेयर्स। और सिंपली अगर आप किसी को बोल रहे गो अप स्टेयर्स ऊपर जाओ, गो डाउन स्टेयर्स दूसरी फ्लोर पे, या तो पहली पे या फिर ग्राउंड फ्लोर पे जाओ, देयर इट इज। अच्छा बच्चा अगर अंदर आता है तो आपको तो पता ही है कि आप बोलेंगे मे आई कम इन सर, यस सर, मे आई कम इन मैम और मैडम, ऑलराइट। सो आप ये भी बोल सकते कुड आई कम इन सर, कुड आई कम इन मैम। एक जो बहुत बैड हैबिट देखने को मिली, मे आई कम इन सर, दिस इज रियली वेरी बैड आउट ऑफ प्रोफेशनल, डू नॉट यूज दिस, डू नॉट मीन्स कभी नहीं यूज करें। डोंट अगर आप किसी बच्चे को बोलते हैं, डोंट लाफ, यानी डोंट का मतलब हो जाता है टेम्परेरी, ध्यान दीजिएगा, डू नॉट का मतलब हो गया परमानेंट और डोंट का मतलब होता है टेम्परेरी, ऑल्दो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डू नॉट का। लेकिन जब आप किसी को बोलेंगे डू नॉट लाफ, इसका मतलब आप बच्चों से बोले परमानेंटली आप मत हंसो, आप उस वक्त बोलिए डोंट लाफ, यानी इस वक्त मत हंसो। जैसे कि आप बच्चे से बोलेंगे झूठ मत बोलो तो क्या बोलेंगे, डू नॉट टेल अ लाई, कभी मत झूठ बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। डू नॉट ईट फास्ट फूड, यानी फास्ट फूड डू नॉट का मतलब कभी मत खाओ, और डोंट ईट फास्ट फूड का मतलब इस वक्त मत खाओ। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, कुड आई कम इन, कोई भी सवाल पूछना हो तो ऐसे हाथ उठा के पूछेंगे, और टीचर्स भी इसको क्या करेंगे बखूबी से। ऑलराइट, जैसे कि आप बोलेंगे जैक, वेयर इज जैक, जैक इज देयर, ऑलराइट स्टैंड अप टेल मी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। मुझे लगता है कि अगर आप इन चीजों को अच्छे से याद कर लेना, आई एम 100% श्योर, प्रैक्टिस कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ में आपको दे दूंगा, बाद में अगर आप सर्च कर रहे हैं इस वक्त काफी समय के बाद पढ़ाए हुए, तो आप टेलीग्राम चैनल के सर्च में जाइए, सर्च में आप टाइप कीजिए स्कूल टीचर स्टूडेंट कॉन्वर्सेशन या फिर स्कूल क्लासरूम कॉन्वर्सेशन, आपको ये मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको बार बार देखिए, याद कर लीजिए, एक्ट कीजिए, ये आपको बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा, स्कूल में भी, जूनियर क्लासेस में भी, कॉलेजेस लेवल में भी ये चीज बेनिफिशियल होगा। बट थिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू, प्लीज कीप दोज थिंग्स इन टू योर माइंड, एवरी थिंग विल बी ईजी फॉर यू, आई एम 100% श्योर दैट दिस is gonna be very very easy for you। क्या अच्छा लगा क्या नहीं ये comment करके जरूर आप हमें बताइएगा, और ये आपके लिए कितना ज्यादा helpful है ये हमें आप जरूर बताइएगा, because that will motivate us to make more and more videos। What I want is to make you understand how to speak English। Thank you very much for watching my Kiri Doctor। Stay happy and be the best। Jai Hind, Jai Bharat।